नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है और मुझे सबसे ज्यादा खुशखबरी कहीं ना कहीं ये देने में लगती है कि आपके लिए एक नया अवसर, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक ऐसा अवसर जिसमें कम मेहनत में, कम समय में एक बहुत ही अच्छी जॉब जिसमें 70-80 हजार रुपए मिले, मात्र 2-3 महीने में आपकी नौकरी लग जाए और बहुत कम मेहनत करना पड़े पढ़ने के लिए, नौकरी लेने के लिए, वो शायद इससे अच्छी खुशखबरी मैं और कोई नहीं आपके सामने प्रेषित कर सकता हूं। जी हां, आईबी की तरफ से, ACIO की तरफ से एक 995 पदों की वैकेंसी दोबारा आ गई है। वर्ष 2020 में लगभग 2000 पद की वैकेंसी आई थी, इस बार पिछली के मुकाबले एकदम आधी वैकेंसी है। लेकिन पिछली बार जो बच्चे चूक गए थे वो कितना पछता रहे आज भी पता है कि इतना बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, इतने कम समय में इसकी जॉब थी। हालांकि 2-3 टियर में ये होता है, इसमें आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। लेकिन एक बात समझिएगा कि अगर आप चाहते हो कि एक रेपुटेटेड जॉब होना चाहिए, आप चाहते हो कि 70-80 हजार रुपए महीने आए और मात्र 3-4 महीने 5 महीने में आपका एग्जाम होके आप नौकरी ले लो, तो शायद ये सबसे अच्छी नौकरी है। इसके बारे में सब कुछ डिटेल बताने वाला हूं। सबसे आसान नौकरी में इसे क्यों कह रहा हूं, 995 पद है, केवल ग्रेजुएशन के लिए है और इसमें आपको सब कुछ मैं बताऊंगा कि क्या एज होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, डेट जो विभिन्न होगी, एग्जाम डेट, नोटिफिकेशन डेट, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। टीम परीक्षा प्लस आपके लिए इस बैच के लिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी लेके आई है, बहुत बेहतरीन तरीके से कोर्स का डिजाइन भी किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो 50 छात्र होते हैं हमारे लिए हर बैच में, वो हमारे जो दिल से जुड़े होते हैं उनके लिए बहुत ही कम फीस। अब आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हालांकि मैं आगे बढ़ता हूं, आपको इसके बारे में एक एक डिटेल देता हूं बहुत कम समय में। ये वो है, इस बैच की फीस मैं पहले ही बता दूं, 699 रखी जाएगी, 592 बैच की फीस प्लस जीएसटी 699 जाएगी। लेकिन पहले 50 छात्रों के लिए ये मात्र कितना रखा गया है, 199 रुपए। तो हाँ, हमने ऐसा देखा जाए तो DSSB के परीक्षा के लिए भी किया, हमने ESIC के लिए भी किया और एक बार पुनः आप सभी को जो ऐसे बच्चे हैं जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम में किए हैं। इसको जानकारी मैं बाद में दूंगा, सबसे पहले जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये अभी एक पेपर की कटिंग है, वायरल हो रही है, इसको हम लोग पहले देखते हैं है क्या इसमें। ये अगर आप देखोगे तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर Grade 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2023 2020 में 2000 पद के लिए आया था। बहुत सारे बच्चे जानते नहीं ये क्या है, मैं आपको बता दूं कि जैसे जनरल पुलिस ग्रेड में आपका क्या होता है, दरोगा होता है, SI होता है, एक SI लेवल की जॉब है, लेकिन उस SI से कहीं ज्यादा बेहतर जॉब है। ACIO का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। क्या होते हैं ये? इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं और ये Grade 2 होते हैं, इसके बाद प्रमोशन 7-8 साल बाद Grade 1 का होता है, उसके बाद DCIO होते हैं और कई सारे इसमें प्रमोशन होते जाते हैं। लेकिन अगर आप इनिशियल सैलरी देखोगे तो इनका जो बेसिक पे है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको देखना, वो मैं आपको बता दूं, इसमें जो बेसिक पे है वो आपका 44,900 बेसिक पे बनता है और इसके बाद आपका 20,654 ये आपका DA लगता है, DNS अलाउंस 46% इस समय चल रहा है, तो ये आपका DA लगेगा और इसके बाद ये आपका बेसिक पे है। और इसके बाद सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस 20% तक का लगता है और ये जो फी आपकी सैलरी में जुड़ता है 8,980 रुपए जुड़ता है। और इसके बाद HRA जो होता है 9-27%, जो क्लास ए है सिटीज उनके लिए 27% और जो क्लास सी है उनके लिए 9%। तो अगर हम मैक्सिमम इसका जोड़ दें 27% के हिसाब से जोड़ दें तो मान के चलो 44,000 का 27% लगभग अगर 1/3 देखा जाए तो भी ये कम से कम 13,000 के आसपास जाएगा, 13-14,000, ठीक है। तो ये करीबन 13,000 रुपए इसमें और मैं जोड़ देता हूं, टोटल जो सैलरी जाएगी 44, 20, 64 और 13 की बात किया जाए तो ये 88,000 से 90,000 के आसपास ये सैलरी अप्रोक्स में आपकी जाती है। कटने पिटने के बाद भी ये आपकी बहुत अच्छी सैलरी आपके हाथ में आती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ACIO में कई बार आपके, मान लीजिए कि बहुत दूर दूरस्थ आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो जो डेली अलाउंसेस आपको 3700-3800 इस हिसाब से मिलता है। अभी सर्वेश सर आपके टीम के ही इंग्लिश जॉब को पढ़ाएंगे, वो इसी पद पर चयनित थे, वो छोड़ के आए हैं आपके लिए, वो सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, किस प्रकार से इस पर प्रमोशन होता है,
क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या आपकी सैलरी बनेगी, कैसे आपको कार्य करना होगा और कितनी आसानी तरीके से निकाल सकते हो, वो सारा एक्सपीरियंस आपको साझा करेंगे जॉब प्रोफाइल वाली वीडियो में। लेकिन आपको इस बात के लिए खुशी होना चाहिए कि एक आपके बीच में ही इंटेलिजेंस ऑफिसर आपको इंग्लिश यहां पे पढ़ा रहा होगा और आपकी तैयारी आपको इंटेलिजेंस ऑफिसर ही बना रहा होगा। तो इंटेलिजेंस ऑफिसर आप बनोगे इंटेलिजेंस ऑफिसर के द्वारा ही बनोगे। इसमें मैं आपको बता दूं ये तो बहुत बढ़िया सैलरी है। अब कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसकी मैं डिटेल पहले आपको देता हूं। तो ये मैं पिछले नोटिफिकेशन से सब कुछ लेके आया हूं। ये पिछला लेवल 7 के हिसाब से पे स्केल था, उस हिसाब से इस बार और बढ़ा के दिए हैं, इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी। अब आते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आप केवल और केवल ग्रेजुएशन हो, मतलब आप कुछ भी, आप बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, जो भी हो, आपके पास क्या होना चाहिए, केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ग्रेजुएट कब हो, ग्रेजुएट का जो मार्कशीट की डेट होनी चाहिए, जो आपका रिजल्ट निकलने का डेट होना चाहिए, इस फॉर्म भरने के अंतिम दिन तक होना चाहिए। ये फॉर्म जो आपका शुरुआत होगा, फॉर्म की जो डेट स्टार्ट होगी, मैं आपको बता दूं कि फॉर्म कब से आएगा, तो फॉर्म की जो डेट होगी वो आपकी 25/11 से आएगा और उसके बाद ये जो आपका फाइनली चलेगा 20 दिन का आपको समय दिया जाता है, मतलब 15 दिसंबर तक जो लास्ट डेट होगी वो कितनी होगी, वो 15 दिसंबर तक आपकी रहेगी। कहने का मतलब कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे एज हो, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, आपके अंदर 15 दिसंबर के पास होना चाहिए, 15 दिसंबर के पहले आपकी मार्कशीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, बस। और ये मेरे ख्याल से सबके पास होगी क्योंकि जून जुलाई में मार्कशीट आपको मिल जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें एज कितना चाहिए। तो एज जो चाहिए बच्चों, इसमें 18 से 27 साल चाहिए। जो एज इसके लिए चाहिए वो कितना चाहिए, 18 से 27 साल के लिए चाहिए। लेकिन ये जनरल की एज की बात किया जा रहा है, ऐसे ही एससी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंटल है तो उसे 40 साल तक दिया जाएगा, ठीक है, और 35 साल तक जनरल कैंडिडेट। अगर कोई ऐसी महिला है जो क्या है, जो विधवा है या फिर जो जुडिशियली सेपरेटेड है, उसको जनरल कैटेगरी से है तो 35 साल, और अगर एससी एसटी कैटेगरी से है तो ये कितना हो जाएगा, 40 साल तक का इसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। बाकी कहीं दूर दूर जम्मू कश्मीर वाले में हो तो इसमें भी आपको दिया जाता है। ये सारी चीजें मैंने यहां पे दिया है, वो वाले यहां पे देख सकते हैं, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। सर्विस आपकी कहां पे आपको जॉब करना होगा, तो आईबी में जाने के बाद, क्योंकि ये क्या होता है, ये बिना वर्दी का दरोगा होता है, ये छुपा हुआ अधिकारी होता है, ये छुप के कार्य करता है, इंटेलिजेंस लेवल पे कार्य करता है और बहुत बेहतरीन नौकरी होती है। तो आप चाहोगे कि आप सबसे सीक्रेट जगह पे हो, और आप जितनी ज्यादा सीक्रेट जगह पे होगे आपकी सैलरी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब आप महीने के लाख लाख सवा लाख कमा सकते हो। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की खासियत है, जो जॉब जिस हिसाब से देते हैं उस हिसाब से आपको सैलरी बहुत बेहतरीन देते हैं। तो ये आप सोच रहे हो कि 90,000-1,00,000 रुपए सैलरी कम नहीं होती, बहुत ज्यादा सैलरी होती है, कहीं भी इतनी सैलरी नहीं है। यहां पे आपको पूरे भारत में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन जो एग्जाम सेंटर है वो आप अपनी जगह पे परीक्षा दोगे, अपने शहर में परीक्षा दोगे, और उसके बाद आप जब चयनित होगे तो आप कहीं भी पोस्टेड हो जाओगे। चयनित होने के लिए आप ऐसे नहीं चयनित हो जाओगे, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। पढ़ाई करवाने के लिए टीम परीक्षा पर बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन की है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, और पढ़ने में आपको निकालना पड़ेगा क्या, जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपसे मैथ्स पूछेगा, एग्जाम में आपसे रीजनिंग पूछेगा, एग्जाम में आपसे इंग्लिश पूछेगा, उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, जीएस पूछेगा और जीए पूछेगा। प्रत्येक 20 नंबर के होते हैं, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आपका पूछेगा। कहने का मतलब यह है कि टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछेगा, और ये जो 100 क्वेश्चन होगा ये 100 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। और जो निगेटिव मार्किंग होती है, मैं निगेटिव की बात कर दूं तो जो निगेटिव होगा ये 1/4 होता है, 1/4 मतलब कि 0.25 नंबर आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव का एक नंबर मिलेगा। इसमें मैथ और रीजनिंग बहुत आसान पूछी जाती है, इंग्लिश एवरेज पूछी जाती है, और जीएस इसमें क्या है, अगर हम 2020 के पेपर को देखें तो उसका स्तर थोड़ा सा हाई था, कूट लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत डीप नॉलेज पूछा जाता है, भले ही स्टेटमेंट में पूछा जाता है,
बट नॉर्मल पूछा जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो पेपर करवाता है, पेपर करवाने वाली जो संस्था है वो टीसीएस है। पेपर कौन करवाता है? पेपर टीसीएस करवाता है, उस बार फिर से टीसीएस करवाएगा। और अगर आप टीसीएस लेवल का पेपर देखते हो तो आप कुछ मत करो, केवल और केवल आप एसएससी के प्रीलिम्स से मैथ्स और रीजनिंग, जितने भी प्रीलिम्स के पेपर हैं, मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व कर डालो पिछले 3-4 साल का। उसके बाद इंग्लिश आप अच्छे से पढ़ लो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश आपका सेकेंड स्टेज में भी जाएगा। पहले स्टेज में तो आपका केवल जो मैंने ये बताया है, ये आपके 100 क्वेश्चन, 1 घंटे का पेपर होगा, ये मार्क्स भी आपका फाइनल में जुड़ेगा। लेकिन टीयर 2 जो होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है और ये 50 नंबर का होता है, जिसमें 30 नंबर आपका एसे का होता है और 20 आपका क्या होता है, प्रिसाइज राइटिंग, और क्या होता है यहाँ पे कंप्रेंशन जो हो गया एसे 30 का, और इंग्लिश कंप्रेंशन और प्रिसाइज राइटिंग 20 का होता है। 10 नंबर का कंप्रेंशन और 10 नंबर का प्रिसाइज राइटिंग आता है, बाकी 30 आपका एसे होता है, ये टोटल 50 नंबर होता है, ये भी जुड़ता है। और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है जो 100 नंबर का होता है, यहाँ पे एवरेज मार्किंग होती है। कट ऑफ की बात किया जाए तो पिछली बार अगर देखा जाए तो 65 से 70% इसमें कट ऑफ गया था 100 नंबर में से, क्योंकि टीसीएस पेपर कराया था, अच्छा पेपर कराया था, 1/4 निगेटिव थी। यहाँ पे 10 गुना बच्चे मेंस में बुलाए जाते हैं टीयर 2 में, और उसके बाद 5 गुना इंटरव्यू बुलाए जाते हैं, मतलब 995 पद है। कहने का मतलब 1000 पद मान सकते हो, जिसमें से 10,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे टीयर 2 के लिए। उसके बाद फिर देखा जाए तो 5 गुना मतलब कि 5000 बच्चे फिर भी कहां बैठेंगे, इंटरव्यू में बैठेंगे। तो आपको शुरू से लेकर फाइनली 5000 में जगह बनानी है, और वो बहुत आसानी से बना सकते हो। आपको थोड़ी सी इंग्लिश स्ट्रांग करनी है, क्योंकि आपका 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव में जाएगा, और बाकी मैथ्स और रीजनिंग एक जनरल स्टडी पे हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि इसका पेपर बहुत जल्दी होता है, पिछली बार 1.5 महीने के अंदर पेपर कंडक्ट करा लिया गया था, इस बार भी चांसेस आपका 1.5 से 2 महीने मिलेगा। मतलब 25 तारीख से आपका आवेदन चालू है, तो आप ये मान के चलो कि आपका फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका इसका पेपर हो सकता है। तो समय बहुत कम है, जितने कम समय में मेहनत कर लोगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर आ जाएगा। और ये जो कट ऑफ कम गया था, इसका कारण भी यही होता है कि कम समय में समय बहुत कम मिलता है आपको इस पेपर को करने के लिए। तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत बेहतरीन, इसमें आप तैयारी कर सकते हो। तैयारी करने के लिए टीम परीक्षा प्लस पूरा दमखम आपके लिए लगा दी है, और ये मान के चलो कि जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स होंगे वो तीनों टीयर का मिला के होगा। जो आपके पहले टीयर में सेंटर आप चूज कर सकते हो, दूसरे में जो नियरेस्ट लोग के हैं उनको एक सेंटर में अलॉट कर दिया जाएगा, और इंटरव्यू अपने हिसाब से आपको बुलाएंगे इंटरव्यू दुलाने के लिए। अब आते हैं सबसे बड़ी बात कि हम लोग यहाँ पे कैसे अपनी तैयारी करें। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि IBACIO का जो पोस्ट है, इसके लिए कोर्स टीम परीक्षा प्लस लॉन्च कर दी है, और इसकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे, क्योंकि इस बैच में आपको जो तैयारी कराने वाले हैं वो खुद ही आईबी के ऑफिसर ही तैयारी कराने वाले हैं। इस कारण से आप इसमें जो फीस आपको 699 दिख रहा है, पहले 50 छात्रों के लिए मात्र 199 है, कोई उसका कोई शुल्क नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल 199 में। ये मैं उन बच्चों को करता हूं जो लगातार हमसे जुड़े रहते हैं, हमेशा हम पे ट्रस्ट दिखाते हैं, उनके लिए फिर से। तो ये मात्र 50 बच्चों के लिए, जो हो सकता है अगले 24 घंटे 36 घंटे में ये क्या हो जाए, ये सीटें फिल हो जाए, जिसके बाद आपकी फीस 699 हो जाए। तो आप फीपो कॉन्सेप्ट पे आओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले पे आओ, पहले आओ पहले पाओ पे आप कॉन्सेप्ट पे चलो, और 50 छात्र जो हैं इसमें जो लकी होंगे उनको एग्जाम में मिलेगा। इसमें हम आपको कंडक्ट क्या कराएंगे, सारी की सारी लाइव क्लासेस होगी, उसके बाद आपको उस क्लासेस की रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी, आपको सारे नोट्स IBACI के तर्ज पे ही सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे, कुछ भी अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा और ना ही कुछ भी कम दिया जाएगा। उसके बाद आपका स्टेज 2 की भी तैयारी हम लोग इसी फीस में आपका करवा देंगे, वो आपको सर्वे सर खुद करवाएंगे, जिनका खुद का एक्सपीरियंस है आपको एसे का, प्रिसाइज राइटिंग का, जो उन्होंने राइट करके लिख के और वहां पे इंटरव्यू देके वहां पे क्वालिफाई किए, तो आपको भी वहां पे बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे, बाकी टीम पूरी आपके साथ है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इस बार मौका चूकिए मत, फॉर्म भरिए, 25 तारीख से फॉर्म चालू हो रहा है। देखा जाए तो मैं आपको यहां पे एक जानकारी बता दूं कि अगर ध्यान से देखो तो यहां पे आपके पास 3 वैकेंसी एक साथ लगी हुई है। 3 वैकेंसी कौन सी, एक तो आपका आईबी का ACIO हो गया, इसके लिए मैं आपको बता दूं 995 पद है, इसमें आपसे ग्रेजुएशन केवल मांगा गया है। उसके बाद आपका ESIC का भी फॉर्म आ रहा है, इसमें 17,710 पद हैं, लेकिन MTS और उनके पद मिला लिए जाएं तो ये आपके जो हैं वो 12,000 के आसपास पद हैं, ठीक है। इसमें भी आपका यह 10th और 12th लेवल पे आप यहां पे भर सकते हो। और तीसरा एक DSSSB की तरफ से फिर से वार्डर का लड़कों के लिए और मैट्रन का महिलाओं के लिए पोस्ट आया है, ये भी आपका 333 पोस्ट है, इसमें भी आपका सिंपल ग्रेजुएशन है, तो तीनों एक ही लेवल का है। और टीम परीक्षा प्लस
शुरुआत में इसमें प्रथम 100 बच्चों के लिए, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी, इसमें प्रथम 50 बच्चों के लिए, इसमें भी प्रथम 50 बच्चों के लिए फीस जो थी 199 रुपए केवल की थी। मतलब आप ये तीनों ही 199 रुपए में ले सकते हो। अब आप ये सोचो, इन तीनों की जो ओरिजिनल फीस है वो 699 इसका भी है, 699 इसका भी है और 699 इसका भी है। यही कारण है कि टीम आपको बहुत बहुत विधिवत आपको क्या देती है, यहां पे ऑफर देती है कि आप तीनों अगर लोगे तो 199 मिलेगा। मतलब कि इसका 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 600 रुपए से भी कम में आपको ये तीनों ही बैच मिल जाएंगे, जो आप कहां से अवेल कर सकते हो, आप परीक्षा प्लस ऐप से कर सकते हो या हमारी वेबसाइट live.parikshaplus.org से कर सकते हो। तो देर मत करिएगा, आप लोग अभी ही परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए। जो डाउनलोडेड किए हैं पहले तो बिल्कुल लेट मत करिएगा, तुरंत बाय करिए, क्योंकि बहुत तेजी से इन सभी की सीटें फिल हुई हैं। ESIC भी यहीं पे है, DSS भी, जेल वार्ड और मैटन भी है और IBACIU तीनों ही आपके क्रम में लगे हुए हैं। आप तीनों ही इससे जुड़ सकते हो और आपकी तैयारी इसमें कैसे आपको तैयारी करना है इसका वीडियो मैं खुद लेके आऊंगा। इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है इसकी वीडियो में सर्वेश सर को खुद बोलूंगा कि आइए आप अपना अनुभव बच्चों के साथ साझा करिए और किस प्रकार से हम आपकी तैयारी आगे लेके चलेंगे इसके बारे में अलग से वीडियो बहुत ही जल्द बनाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक अवश्य कर दीजिएगा और पूरे जोश पूरे उल्लास के साथ इसकी तैयारी अवश्य करिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।